ओके सो आज हमें आ गए एक और नए अनबॉक्सिंग के साथ, और इस बार हम फिर से एक बोस प्रोडक्ट लेके आए हैं अनबॉक्स करने के लिए। एंड ये है दी बोस साउंडलिंक रिवॉल्व प्लस। वैसे मैंने इसके बहुत वीडियोस देख लिए, तभी तक मैंने अनबॉक्स नहीं किया। इसकी जो सील थी वो तो मैंने हटा दी, एंड इवन जो इसकी पॉलिथीन थी वो भी मैंने हटा दी। एंड अब बात करते हैं इसके प्राइस की और कुछ इन्फॉर्मेशन और की, जैसे कलर इसका वाइट है, और मैंने स्पेशली वाइट मंगवाया क्योंकि वाइट ज़्यादा अच्छा दिखता है, और इमेजेस में ब्लैक से तो लग रहा था कि यूज़फुल है मंगवाना, मोर यूज़फुल है। एंड अब बात करें इसकी प्राइस की, तो इसकी प्राइस है 24,500। एंड या वैसे तो प्राइस एक ख्याल से 24,000 रुपीज थोड़े से ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है, एंड बट यार बोस की जो भी चीज़ें होती हैं वो प्राइस जो होती है थोड़ी सी या, लेकिन उनकी क्वालिटी भी उसके वर्थ इट होती है। अनबॉक्सिंग पे आते हैं, सो 3 2 सील्स पहले से हटा ली थी मैंने क्योंकि बाद में फिर खुलती नहीं है, बट अंदर से नहीं खोल रहा मैंने। दैट्स वाओ, मस्त लग रहे हैं। दिस इज द स्पीकर इटसेल्फ। ये इसका एक हैंडल है जो कि रिवॉल्व प्लस में ही है, विच मेक्स इट अ बिट कैरिएबल, क्योंकि मे बी जो इसका वेट थोड़ा सा है अभी तो एक हाथ से नहीं पकड़ा जाएगा। एंड दिस इवन एड्स टू इट इट्स लुक। एंड इफ मैं बात करूँ, ये एक डिज़ाइन अच्छा है, ये यहाँ से मैट फिनिश है, एक्चुअली मैट नहीं सॉरी एल्यूमिनियम फिनिश है ये पूरी, तो यहाँ से एक अच्छा फील आ रहा है। एंड नीचे आप ये सोच रहे होगे कि ये कनेक्टर किस लिए दे रखा है और ये सारा डिज़ाइन किसने बनाया नीचे, तो ये इसमें एक वायरलेस डॉक का सपोर्ट आता है जो कि बॉक्स के अंदर नहीं है, बट आपको सोल्ड सेपरेटली लेना पड़ता है 2700 रुपीज़ का, वो उसका ओरिजिनल है, एंड 1000 रुपीज़ का उसका अगर आप कोई लोकल लेते हो या फिर किसी रैंडम कंपनी का तो वो होता है। एंड या ज़्यादा भारी नहीं है मैंने जैसा कहा, सोल्ड सेपरेटली तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया, जैसे वो होता है ना आईफोन 12 में चार्जर सोल्ड सेपरेटली और मैक से सोल्ड सेपरेटली, वैसे थोड़ी सी हरकत कर दी। इतना पैसे देने के बाद कम से कम इम्प्रूव तो करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, वायरलेस चीज़ें वैसे ही सोल्ड सेपरेटली आती, चाहे वो सैमसंग का 45 वोल्ट का चार्जर दिखा, उसमें भी वायरलेस चार्जर सोल्ड सेपरेटली। दिस इज इट लुक्स, एक बार मैं ये सील हटा देता हूँ इसकी जो पॉलिथिन है। 3 2 एंड यहाँ पे एक मैट फिनिश है, सॉफ्ट मैट फिनिश, एक एल्यूमिनियम मैट फिनिश होती है जो नॉर्मल मैट फिनिश कहते हैं, ये थोड़ी सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी है, टेक्सचर सॉफ्ट है और मैट फिनिश है। सो नाउ अबाउट द बटन्स, तो ये एक पावर बटन है, पावर ऑन ऑफ, तो दिस इज बेसिक वन। ये वाला आई डोंट नो की कौन सा है, ये एक वॉल्यूम अप बटन है, ये एक वॉल्यूम डाउन बटन है, ये एक डिस्कवर करने का, जैसे आपने एक डिवाइस से स्पीकर को कनेक्ट कर रखा है और आपको किसी और के से करना है, मतलब न्यू करना है डिवाइस पे, तो आप ये भी कर यूज़ कर सकते हो। सेकेंडली अगर आपको कोई पेयर डिवाइसेस है पेंसिल उनसे पेयर करना है, देन यू कैन ऑल्सो यूज दिस। एंड ये एक मल्टीटास्किंग बटन है एज पर मी, आई थिंक या दिस इज ओनली दी मल्टीटास्किंग बटन। दीज आर आई थिंक द माइक्स, ये जो 3 होल्स से बनाए हुए बीच में, आई थिंक दीज आर दी माइक्स, बट ये मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सिर्फ 3 माइक होंगे, और अगर होंगे भी तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी इनके बाद। वैसे टेस्ट वगैरह मैं सब आपको करके दिखाऊंगा, मैंने यहाँ पे अपने
एक डिवाइस रख रखा है जिससे मैं करूँगा बेस का सेट करते हैं एंड दिस इज आई थिंक द मैनुअल्स ऑब्वियसली मतलब इसमें कुछ आई थिंक ज़्यादा खास हो गई मतलब नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग स्टफ तो एक चीज़ जो मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग मेरे बॉस का जो मैंने साउंडलिंक A2 साउंडलिंक मैंने वो किया था हेडफोन्स का अनबॉक्सिंग करी थी मैंने तो उनकी जो है उसमें एक चीज़ थी कि उसमें टाइप सी पोर्ट ही था जबकि वो 19,000 rupees का था और उसमें टाइप सी पोर्ट नहीं था उसमें माइक्रो यूएसबी पोर्ट था एंड द सेम थिंग कम्स विद दिस इसमें माइक्रो यूएसबी है जो कि ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग और बुरी बात नहीं होती बट या थोड़ा सा 24,000 rupees के लिए लगता है क्योंकि आजकल 2,000 rupees के वो वन प्लस के ईयरफोन्स इवन मेरे पास हैं उनमें टाइप सी पोर्ट मिलता है तो ये थोड़ा सा एक तरीके से शेमफुल बात हो जाती है कि इस हिसाब से इट्स नॉट इवन बैड दो एंड ये नीचे थोड़ा सा वियर्ड सा डिज़ाइन है इसका दिस इज द अडैप्टर जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है आइडेंटिफाई करने में एंड दिस इज हाउ द अडैप्टर लुक्स विदाउट द कनेक्टर सो यहाँ पे इसका एक तरीके से ये पोर्ट नॉर्मल यूएसबी अटैच हो जाएगा तो नॉर्मल यूएसबी पोर्ट दे रखा है एंड देन इट विल गो लाइक दिस तो मैं आपको भी कनेक्टर दिखा देता हूँ जहाँ पे शायद से इस चीज में बोस ने जो है शायद से इम्प्रूव किया है और माइक्रो यूएसबी के उसको ओवरकम करने के लिए डिफरेंस को ये दिस बॉक्स इज नाउ डन इसलिए शायद से मेरे ख्याल से ये तीन कनेक्टर हुए जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है एंड अगर जैसे मेरे ख्याल से अडाप्टर्स अगर अडाप्टर प्रोवाइड मेरे हेडफोन्स में भी किया जाता तो आई थिंक उसमें शायद से पिंस होती बट क्योंकि उसमें सिर्फ केबल प्रोवाइड था ओके एंड अब करते हैं बात इन पिंस की तो ये नॉर्मल 3 पिन है जो कि इंडिया में यूज होती है एंड देन एक आई थिंक US में यूज होने वाली पिन है ये 2 पिन है बट डिज़ाइन अलग है सो एंड दिस इज द 2 पिन सो अगर आपके घर में जैसे ज़्यादा पोर्ट्स हैं नहीं अडाप्टर्स के लिए एंड 2 पिन है कहीं पे आपका तो आप उसमें भी इसको इजीली लगा सकते हो एंड तो हम एक बार इसे कर लेते हैं एक बार ओपन कर लेते हैं ओके अभी तो ये इतना ही जा रहा है थोड़ा सा पार बाहर निकल रहा है विच मीन्स कि शायद से ये इतना ही जाता होगा ये चार्जर अब लेट्स विश कि इसमें बैटरी हो क्योंकि बेसिकली बैटरी होती नहीं जब आता है Thank God, हो गया ऑन एंड अब हम ये क्या है इस तरह की कुछ लाइटिंग आ रही है एंड या अब मैं अपने आईपैड से कनेक्ट करता हूँ इसे 11 के ऊपर और देखते हैं कि कैसा लगता है गाना ओके तो आवाज में तो नो डाउट दिस इज द बेस्ट एंड या आई वुड से कि इसमें आवाज है अच्छी अब प्राइसिंग के हिसाब से तो ठीक है बट आवाज में है ऐसे लग रहा है कि 30,000 rupees भी अगर होंगे तो हम उतने भी खर्च कर देंगे सो आवाज बट इसकी ऐसा लग रहा था मुझे कि मतलब जैसे थिएटर में जाते हैं ना मूवी देखने
तब जो आवाज आती ना वो मतलब वहां पे मैंने एक दो बार देखा था, बोस के स्पीकर ही लगे हुए थे। तो वैसे बोस के स्पीकर अच्छे हैं क्योंकि मतलब मूवीज में भी थिएटर मूवी थिएटर में भी यही यूज होता है, बट ये साउंडलिंग नहीं यूज होता, वो अलग स्पीकर होते हैं, वो वॉल माउंटेड स्पीकर होते हैं। बट ऐसा नहीं लगा मुझे कि ये कुछ इसमें कमी है, बहुत अच्छा है। प्राइस थोड़ी सी कम होती है जैसे अमेजोन पे कर सकते हैं शायद से, बट यार 24,000 आई थिंक एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं होगी क्योंकि एग्जैक्ट प्राइस जो इसकी 24,000 रुपये वो ऑनलाइन साइट पे है, और अगर आप जैसे उसके स्टोर से जाके देखो 24,000 रुपये अगेन थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। 24,000 रुपये में एयरपॉड्स आ जाते हैं, लेकिन एयरपॉड्स लिटरली एयरपॉड जैसे इसकी क्वालिटी को तो मैच कर ही नहीं सकते। अब एंड हो गया है हमारे अनुभव, जाना है मुझे और अभी मैं खाना खाऊँ। लेकिन जाते जाते एक चीज बोलते जाते हैं कुछ और चीज, तो लोगों मेरे ख्याल से बोस को ये देख के सीधा करना चाहिए था, क्योंकि उल्टा लगा तो अच्छा नहीं लगता है। या दैट्स नॉट अ बिग डील, बट श्योर गोना चेंज इट। मैं तो इतना ही था इस वीडियो के लिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।